सिक्कड़ है भाई, ये उसी टाइम का सिक्कड़ है जो कि हाथी बांधने के लिए लगाया गया था। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है, और यहाँ पे ये जो आप अंकल देख रहे हैं यही 60 साल से इस महल में है और यही यहाँ का पूरा बलि देते हैं भाई। ये राजाओं समय का नगाड़ा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ रातू किला, और ये जो रातू किला है ना वो 22 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे कुल 103 कमरे हैं। और इस किले को भाई नागवंशियों के राजा जो थे 61वीं राजा प्रताप उदयनाथ सहदेव जी ने निर्माण किया था। और दोस्तों इस किले के अंदर बहुत ही पुराना रहस्य है, वो सारा कुछ आज मैं आप लोग को बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो चले गए हमारे समय के अंदर, वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। और दोस्तों अभी मैं आया हूँ, ये जो किला है ना उसका ये फ्रंटेज गेट है जो कि आप देख सकते हैं भाई 1900 ईस्वी में बनाया गया था, और वो भी कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है आप देख सकते हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं नाग का एक लोगो दिया गया है, अगर आप उसे लोगो भी कह सकते हैं, और ये नागवंशियों का एक लोगो है, एक पहचान है जो कि आप ऊपर में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मेला भी लगता है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये जो किला है ना ये 4 दिनों तक खुला रहेगा, यानी कि आज 20 तारीख है और 20 से लेकर 24 तारीख तक ये खुला रहेगा शाम तक। तो अगर आप रांची से हैं तो यहाँ पे आइए घूमिए और आप भी इस किले को देखिए जो कि प्रताप उदयनाथ सहदेव जी द्वारा बनाया गया था, निर्माण किया गया था 1900 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर में। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा तोप है भाई, भाई उस जमाना का यहाँ पे तोप रखा हुआ है। और देखिए मैं टच भी करके देख रहा हूँ, ये उस जमाना का है यानी कि 1900 ईस्वी का ये तोप है। और एक इस तरफ में तोप रखा गया है और एक तोप यहाँ पे रखा गया है, ये आप देख सकते हैं ये भी उस जमाना का तोप है भाई, जो कि अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, और गेट के नीचे भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोहा दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। So, दोस्तों फाइनली हम लोग अंदर में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये जो महल है बहुत ही पुराना है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना विशाल दिख रहा है ये महल। और अभी मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक कुआं देखने को मिल जाएगा, और ये जो कुआं है ना इस जमाना का नहीं है भाई, ये जो कुआं है वो मतलब 1900 ईस्वी में बनाया गया था, जब ये महल बनाया गया था ना उसी टाइम ये कुआं बनाया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी इसको मेंटेन रखा गया है, और ये जो कुआं है बहुत ही विशाल तरीके से बनाया गया है आप देख सकते हैं। और पहले का जो रिंग होता था वो छोटा छोटा होता था, लेकिन यहाँ का रिंग देखिए कितना बड़ा सा रिंग है देख सकते हैं। और ये अभी भी काम करता है, ऐसा नहीं कि 1900 ईस्वी का बनाया हुआ है और अभी काम नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये अभी भी काम करता है, वैसे ही काम करता है। और यहाँ पे देखिए भंगा हुआ भी है, यानी कि यहाँ से अभी भी पानी निकलता है। सो दोस्तों अभी देख सकते हैं हमारे साथ कौन कौन आए हुए, साहिल भाई है और यहाँ पे आमिश भाई है, और आमिश भाई को भी इतना पुराना महल दिखाने वाले हैं, तो अभी बहुत मजा आने वाला है भाई। और ये महल आप देख ही सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिया फ्रंट का क्या सीन है, और इसका इतिहास क्या है ना वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई इतना पुराना चीज और इतना रहस्यमयी चीज हमारे रांची झारखंड के अंदर है, तो भाई अगर आप रांची के हैं ना तो आपके लिए गर्व की बात है। इसीलिए इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हर एक झारखंडी को दिखाइए, और अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। और दोस्तों अभी मैं जैसे थोड़ा सा आगे आया हूँ तो यहाँ पे आप देखिए चार पाई लगा हुआ है, और ये चार पाई पता नहीं किस चीज के लिए बनाए गए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ घुसाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैठने के लिए बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, देखिए ये भाई इसमें सोफा फेल है आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये है मंदिर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अंदर में कुछ इस तरीके से है। और ये जो मंदिर है ना भाई बहुत पुराना मंदिर है, 1900 ईस्वी में ही इसको बनाया गया था देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दशहरा भी मनाया जाता है प्रत्येक साल। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है और उसी का खून वगैरह लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पता नहीं ये क्या है, नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग अगर जानते तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या चीज़ है। साहिल भाई सामने से दिखा दो यार। और देख सकते हैं आप ये मंदिर के सीधा में है, और आप लोग अनुमान लगाइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, शायद ये बलि उली देने के लिए कुछ होगा। तो ये है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं महल का जो लुक है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से लग रहा है। और यहाँ पे ये जो बनाया गया है ना 1900 ईस्वी में, अभी का अगर कोई बनाएगा ना तो इस टाइप से उतना मजबूती से नहीं बनाएगा, लेकिन उस टाइम का बना हुआ अभी तक इतना कंडीशन में लग रहा है ये महल, तो सोच के देखिए कि ये किस तरीके से बनाया गया होगा। और आइए आप सामने आइए, आप लोगों को कुछ और भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शायद बलि के लिए ही है ये,
और ये भी यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो आप नगाड़ा देख रहे हैं भाई, बहुत पुराना नगाड़ा है, यानी कि ये राजाओं समय का नगाड़ा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई ये जो महल है ना, उसका एक बहुत पुराना कहानी है, बहुत ही रहस्यमयी। ये जो महल है वो बहुत रहस्यमयी है, कैसे वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि भाई एक मंदरा मुंडा का शासन चलता था सुकियांबे पहाड़ में, जो मैंने आप लोगों को पहाड़ का वीडियो बना के दिखाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो वो जो पहाड़ है ना, उसमें चलता था मंदरा मुंडा जी का शासन, यानी कि मुंडाओं का जो शुरुआत हुआ था वो उसी पहाड़ से हुआ था। और वहीं पे जो मंदरा मुंडा जी जो है वो रोज सुबह में और शाम में नीचे में टहलने के लिए जाते थे। तो वहां पे एक तालाब था और उस तालाब के किनारे वहां पे एक बच्चा छोड़ा हुआ था, और उस बच्चे को एक नाग जो था वो रक्षा कर रहा था। तो उसी टाइम से वो जो बच्चा है ना, उसका नाम था फनी मुकुट राय, यानी कि फनी मुकुट राय नागवंशियों का वंश उसको माना गया है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मंदरा मुंडा जी उस बच्चे को वहां से उठा के लाए, यानी कि फनी मुकुट राय जी को, उसके बाद उसका पालन पोषण किए और उसको राजा बनाए। और उसके बाद दोस्तों शासन चलने लगा और जगह जगह पे उन लोगों का किला बनने लगा। और दोस्तों उसी में से ये जो आप किला देख रहे हैं, रातू किला जिसको बोला जाता है, जो कि छोटा नागपुर के अंदर है। और इस किले का रहस्य क्या है कि प्रताप उदयनाथ सहदेव जी जो है, जो 61वें राजा थे, यानी कि नागवंशियों के 61वें राजा थे, उन्होंने ही इस महल का निर्माण किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, और इस विशाल तरीके से इसका निर्माण किया गया है कि अभी तक, यानी कि 1900 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, 1899 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, और 1901 ईस्वी में ये बनकर कंप्लीट हुआ, और आज तक जैसा का तैसा है ये महल, आप देख सकते हैं। तो इस महल का जो कहानी है ना भाई, वो यही है कि ये नागवंशियों का ही शासन द्वारा बनाया गया था, और ये नागवंशियों का ही महल है। और इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं इस मंदिर के ऊपर में, या फिर आप कहीं पे भी देखेंगे, यानी कि जो फ्रंटेज गेट होता है ना, उसके ऊपर में एक नाग सांप का लोगो बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये नागवंशियों का महल है, और ये नागवंशियों के शासन में ही बनाया गया था, और नागवंशियों के 61वें राजा प्रताप उदयनाथ सहदेव जी द्वारा ही ये बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो लास्ट शासक थे यहाँ के, वो थे चिंतामणि लाल सहदेव, लास्ट यहाँ के शासक थे। उसके बाद फिर उनके पुत्र थे, गोपाल शरण नाथ सहदेव जी, और वो हटिया विधानसभा के विधायक भी थे, और उनका भी किसी कारणवश मृत्यु हो गया, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे इसका अभी देख रेख उन्हीं के वंशों द्वारा किया जाता है, और अभी भी भाई यहाँ पे उनके जो फैमिली है, उनके जो वंशज है, वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एक दादाजी मिले हैं, और चलिए इनसे हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। दादाजी ये बताइए, आप यहाँ कब से हैं? 60 साल हो गए। 60 साल, 60 साल से ये दादाजी यहाँ पे हैं। और दादाजी यहाँ पे किस तरीके से बलि सब होता है? हम ही करते हैं। आप ही करते हैं, 60 साल से कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ के जो पुराने लोग थे, राजा लोग, उनको भी आप देखे थे? हम देखे हैं सब। जी जी, इनका नाम था चिंतामणि नारायण साहब जी, उस टाइम से आप है ना। उसके बाद उनका आगे था प्रताप उदयनाथ साहब जी, वो तो सबसे पहले थे शायद। सबसे चिंतामणि जो थे, चिंतामणि शरणनाथ साहब जी, वो पूरा मरने के बाद उनका रास्ता विधायक थे जी, गोपाल शरणनाथ साहब। यस यस, उनका भी देहांत हो गया ना किसी कारणवश जी। तो ये जो दादा हैं वो बहुत पुराने टाइम से, यानी कि 60 साल से हैं भाई यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये बचपन से ही यहाँ है, समझिए। और ये बलि यही करते हैं। और किस तरीके से बलि होता है, किस चीज का बलि दिया जाता है यहाँ पे? बकरा का, काड़ा का जी, खड़ू का जी। और कब कब खुलता है ये महल? महल ऐसे 4-5 रोज आपको फ्री है। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ घुसना अलाव नहीं है ना। सो दोस्तों ये जो महल है आप देख सकते हैं, महल बहुत खूबसूरत है और बहुत पुराना है ये महल। और भाई 1900 ईस्वी का बनाया हुआ, आज तक भी एक इसका ईंट भी नहीं टूटा है, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप देख सकते हैं, मैं सामने से टच करके दिखा रहा हूँ। अभी चलिए मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर में क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जेल टाइप से दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ये कमरा है, ये कमरा है ना अंकल जी, और आप देख सकते हैं अंदर में। और ये जो भाई दरवाज़ा बनाया गया है ना, बहुत पुराना है, और देख सकते हैं आप अंदर में कुछ इस तरीके से है। और बाकी यहाँ पे देखिए जगह जगह पे
रूम है और जगह जगह पे यहाँ पे कमरे हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कूल कमरा है ना, 103 कमरा है और कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। और भाई बहुत पुराना चीज़ है और यहाँ पे आंगन टाइप से है, देख सकते हैं आप। और बहुत विशाल ये जो महल है, बहुत विशाल है। और ये जो है ना, यहाँ पे भी ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ का छत किस तरीके से है। सो दोस्तों, यहाँ का मैंने आप लोगों को कहानी भी बता दी और कहानी जानने के बाद ना वीडियो देखने में मजा ही कुछ और आता है। अब चलिए आप लोगों को आगे लेके जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो नाली बनाया गया है ना, ये भी उसी टाइम का बनाया हुआ है। और यहाँ पे शायद इस तरफ किचन है, देख सकते हैं। और इसका दीवाल देखिए, पता नहीं यार किस ईंट से बनाया गया था, जो कि भाई इतना मजबूत है, देख सकते हैं आप। लगता है ना कि ये चट्टान है, ईटा तो है लेकिन चट्टान टाइप से है। और यहाँ पे देखिए खाना वाना भी बन रहा है। और यहाँ पे देखिए गार्ड जी भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। गार्ड जी को दिखाओ यार, देख सकते हैं ये अंकल जी बैठे हुए हैं। और सबसे बढ़िया जो है इनका मूंछ लग रहा है, अलग लेवल का है ये। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बड़ा बड़ा दो को गैरेज बनाया हुआ है, यहाँ पे शायद लकड़ी रखा जाता है। देखिए ये जो घर है अभी लकड़ी रखने के लिए यूज होता है, और हमें लगता है ना कि उस टाइम भी शायद लकड़ी रखने के लिए ही यूज किया जाता था होगा। सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बहुत खास चीज दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा गेट है, और इसके अंदर में आप लोगों को ऐसा तोता दिखाने वाला हूँ जो कि भाई उसका लाइफ होता है 50 से 60 साल और बहुत पुराना, यानी कि 2004 में एक 2004 या 5 में एक तोता लाया गया था। वो तोता अभी तक यहाँ पे है और वो विदेशी तोता है, यहाँ पे नहीं मिलता है वो तोता। यहाँ का जो तोता होता है ना, वो ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग लेवल का पैरोट है भाई, व्हाइट कलर का। और यहाँ पे ये बोलना भी स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं भाई, ये शायद कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये जो तोता है ना, ये विदेशी तोता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अलग तरह का है। और इसका जो आंख भी है ना, वो बड़ा बड़ा है और ये लग रहा है एकदम अलग चीज है, हम पहले लाइफ में कभी नहीं देखे थे इस तरह का तोता। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो तोता है और बताया जाता है कि इस तोते को 2004 में यहाँ पे लाया गया था शायद। सो दोस्तों, यहाँ पे बनाया हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई चिड़िया नहीं है, शायद मर गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो इंडियन तोता होते हैं जो झारखंड में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वो वाला तोता यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ यहाँ पे एक तोता देखिए, ये भी बहुत अलग तरह का तोता है, ये भी भाई बहुत खूबसूरत है देखने में, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये भी आप जो तोता देख रहे हैं, ये भी बहुत अलग लेवल का तोता है, ये भी बहुत पुराना तोता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, ये पता नहीं क्या चिड़िया है, ये भी शायद तोता ही है यार, ये भी बहुत अलग तरह से दिखता है, बहुत अलग तरह से, और मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक गार्डन टाइप से बनाया गया था, जैसे मैंने आप लोग को तोता वगैरह दिखाया, और उसी का यहाँ पे एक झरना बनाया गया है जो कि छोटा छोटा चट्टान से बनाया गया है। और ये जो पत्थर है ना भाई, ये हमें नहीं लगता है कि यहाँ का है, देख सकते हैं आप, व्हाइटिश एकदम चूना, पता नहीं है भाई किस तरीके से है ये, देख सकते हैं। इसी पत्थर को जब दाढ़ी मोच बनवाया जाता है तो यहाँ पे रगड़ा जाता है ना, वही वाला ये पत्थर है और उसी को यहाँ पे लगाया गया है शायद ये चमकने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये झरना जो है वो जर्जर हाल में है, इधर भी आप देख सकते हैं अभी भी पानी वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ये छोटा सा पूल में, और देख सकते हैं ये जो पूल है ना, ये भी जर्जर हालत में है, और देख सकते हैं ये भी शायद उसके बाद में बनाया गया होगा, लेकिन ये भी देखने में बहुत गजब है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बांस होता है, बांस का लुक में बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे है खरगोश और खरगोश को अभी भी दाना दिया गया है। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को इस महल का फ्रंटेज दिखा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी एक एंट्री गेट है और इधर भी बहुत खूबसूरत तरीके से ये महल बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो महल है ना, उसका खास बात ये है भाई कि अभी भी देखने में ये बहुत शानदार लगता है, अलग लेवल का लगता है। और इसका जो बनाया गया है ना पिलर, बहुत मोटा मोटा बनाया गया है भाई, और इसीलिए आज तक ये महल जो है कुछ हुआ नहीं है, जैसा पहले दिखता था वैसा आज भी दिखता है, बल्कि इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन भी रखा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार वार लगा हुआ है। सो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक चीज दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले आप देख सकते हैं ये है गार्डन, और यहाँ से आप महल का सीन देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और भाई ऊपर में देखिए शेर बनाया हुआ है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में शेर बनाया हुआ है, और बीच में
एक नाग का फन दिया हुआ, यानी कि लोगो है वो। और ये है गार्डन, और गार्डन के जस्ट बगल में ये आप देख सकते हैं, ये कैसा पेड़ है मुझे नहीं पता, बट बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही यूनिक दिख रहा है। और मैं भी ये जो पेड़ है ना वो पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, तो पता नहीं मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग पता नहीं पहले से भी देखे होंगे, बट आज मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, ये बहुत ही अलग लेवल का लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना यहाँ पे पहले कैदियों को रखा जाता था, और अभी ये फिलहाल खंडर हो चुका है दोस्तों। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे जो देख रेख करते हैं ना यहाँ के लोकल लोग, उनको यहाँ पे रखा जाता है। इधर थोड़ा सा रहने के लिए है, इधर पीछे साइड तो पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए है, और यहाँ पे कुछ कुछ बनाया गया है रहने के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से पहले रखा जाता था। जैसे आप देख सकते हैं सामने से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और सामने से और भी बढ़िया दिखता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पहले कैदियों को ही रखा जाता था, और जेल टाइप से बनाया गया है भाई। और अभी यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, और ये जो है ये बहुत पहले का बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये भी भाई खंडर टाइप से हो चुका है, और शायद ये नहीं खुलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा है ना, बहुत पुराना जमाना का है, देख सकते हैं पूरा एकदम भाई सड़ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अंदर में देखिए, अंदर में तो मैं नहीं जाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन आप अंदर में देखिए कि किस तरीके से है, अंदर भी पूरा खंडर हो गया है। सो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोगों को इस महल का पूरा शेयर करा दिया है, और अब मैं आप लोगों को बाहर में ले जाने वाला हूँ जहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं बाहर में। सो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग बाहर में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ में लगता है मेला, और ये जो मेला है ना भाई 4 दिनों तक रहने वाला है। यानी कि आज 20 तारीख है, आज 7वीं है, और आज से लेकर 10वीं जब तक रहता है, यानी कि 24 तारीख तक ये मेला लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का निशानी, ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, इधर साहिल भाई दिखा दो, इधर देखिए एक छेद भी किया हुआ है। तो ये जो है ना ये इस जमाना का नहीं है, ये उसी टाइम का है, यानी कि 1900 ईस्वी का ही है ये। और यहाँ पे देखिए हाथी रखा जाता था। ये जो आप बड़ा बड़ा चट्टान देख रहे हैं, बड़ा बड़ा चट्टान इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके अंदर जंजीर डाला गया है। जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ये हाथी को बांधने के लिए, यानी कि हाथी को बांधने के लिए ये सिक्कड़ लगाया गया था। और वो सिक्कड़ आप देख सकते हैं कितना मोटा है, सामने से दिखा दो साहिल भाई, देख सकते हैं भाई ये जो जंजीर है ना ये उस जमाना का है, हाथी खूटने के लिए लगाया गया था ये। सो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों मैं अंदर में गया, आप लोगों को पूरा कहानी भी बताया, और ये भी बताया कि भाई आज से लेकर यानी कि 20 से लेकर 24 तक ये खुला रहने वाला है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये पूरे साल में भाई मात्र 6 दिन खुलता है, और दशहरा में 4 दिन, और मुहर्रम में भी खुलता है मात्र 2 घंटा, और भी एक कोई त्यौहार आता है उसमें भी ये, रामनवमी में शायद, हाँ रामनवमी में भी ये खुलता है। तो कुल मिला के ये 6 दिन खुलता है पूरे साल में, और बाकी दिन ये बंद रहता है। तो भाई इस मौका को आप बिल्कुल भी ना गवाएं, आइए घूमिए मजे करिए, 4 दिनों का यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट के अंदर के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है thechallenging43, आप उसे जाएं उसे फॉलो करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।